राज्य में बोर्ड परीक्षा संपन्न होने के बाद अब परीक्षा परिणाम को लेकर कवायद तेज हो गई है। अरविंद पांडे ने अधिकारियों को बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट समय से आने को लेकर निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अफसरों से कहा है कि 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन कर ले, जिससे जुलाई माह के अंत तक बोर्ड का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाए। 10वीं और 12वीं के तकरीबन 16 लाख बच्चों की जो बचे हुए पेपर थे वो 16 जून से लेकर के 30 जून तक कराए, जिसमें जो सीनियर क्लास के जो बच्चे हैं उनकी करीब 5-5.5 लाख बच्चे थे और जो 10वीं के हैं वो 11 लाख के तक के बच्चे थे। कहीं किसी तरह की असुविधा नहीं हुई और वो परीक्षाएं हो चुकी हैं और बोर्ड का जो परिणाम है वो भी मैं समझता हूँ 15 और 20 जुलाई के मध्य आने वाला है। निश्चित ही COVID-19 विश्व के लिए चुनौती बने हुए हैं, तो हम भी उसमें साथ में हैं, हम भी चुनौती में आते हैं। इसको देखते हुए हमारे अधिकारियों ने, बोर्ड के अधिकारियों ने, हमारे सचिव ने, हमारे बोर्ड के अध्यक्ष ने, इन सब लोगों के साझा प्रयास से विद्यालय शिक्षा के जो हमारे बचे हुए 10वीं और 12वीं के पेपर थे उसको इन्होंने संपन्न कराया बिना किसी विघ्न के। उसके लिए मैंने बोर्ड के अधिकारियों के सबको उनको बधाई दिया, उनको शुभकामना दी।